हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इस वीडियो में मुझे ना मुहावरे बोलने हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप ना 10 से 15 मुहावरे सुनाओ हमें। तो मैं आज मैं उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। तो उन्होंने बस ये बोला है कि आपको मुहावरे सुनाने हैं, बट ये नहीं बोला है कि किस प्रॉब्लम, मतलब कोई ऐसा गग करके कुछ सुनाना है या फिर फेस बांध के या हाथ बांध के, ऐसा कुछ नहीं बताया है। पर मैं अपनी तरफ से बांध के कर रही हूँ वीडियो। तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई पड़ी है पर मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए सॉरी। और आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि घर ना रोड पर है ना, तो गाड़ियों की आवाज़ तो आती रहती है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। तो मैंने ना इस कॉपी में मुहावरे सब लिख लिए हैं, मुझे इतना तो याद है नहीं। और ये सारे मुहावरे ना घर में यूजली यूज़ कर लेते हैं लोग, किसी को बोल देते हैं कुछ या घर में ही बोला जाता है ये। तो मैंने ये जितने मुहावरे मैंने लिखे हैं ना, कुछ तो मैंने खुद याद करके लिखे हैं, कुछ मम्मी से पूछ के लिखे हैं, पर और 10-15 हैं, मैंने गिनती तो नहीं किया है। तो मैं उन लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ जिनकी वीडियो मैं पूरा बना नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ सॉरी जी। क्योंकि जो जैसी वीडियो आप बनाने के लिए बोल रहे हैं ना, वो चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं आज बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की वीडियो जल्दी जल्दी दे दूँ। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई पड़ी है और मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ तो तबीयत ख़राब की वजह से गले में इतना ना दर्द हो रहा है, बोला नहीं जा रहा, मैं अभी भी बोल रही हूँ ना तो बहुत दर्द हो रहा है। कुछ तबीयत ख़राब की वजह से नहीं बना पा रही हूँ और कुछ ना, मतलब मैं थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, किसी कारण बस टाइम नहीं मिल रहा, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। पर आज कोशिश करा है मैंने, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब है तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, मैं घर का काम नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आज से बैक टू बैक आप लोगों को जितनी भी रिक्वेस्ट आई है ना, वो सारी वीडियो मैं कंप्लीट कर दूँ संडे तक। और जिनका रिक्वेस्ट मैं नहीं कर पा रही हूँ, उनका नाम विराट जी है, तो विराट जी सॉरी, मैं आपकी रिक्वेस्ट नहीं पूरी कर रही हूँ। पर मैं कोशिश करूँगी कि संडे या मंडे को आपकी वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। तो आप रिक्वेस्ट करते मुझे बहुत अच्छा, आप कमेंट करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और कुछ गलती हो जाए ना बोलने में तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। भाई आ गया था इसलिए मैं चली गई थी, कोई ना कोई याद है आ ही जाता है। तो आज मैंने ये 2 हैंकी लिया है और मैं आप लोगों से क्या कह रही थी, कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ बोलने में। मैं औरों को देखती हूँ ना, सारे यूट्यूबर जो होते हैं बड़े बड़े, वो इतनी जल्दी 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 बोल लेते हैं ना, भगवान मुझे भी ऐसा बोलना आ जाए। तो ये मैंने 2 हैंकी लिया है, दोनों को मैं गप करूँगी और फिर इस दुपट्टे से माउथ पूरा फेस कवर करके फिर मैं मुहावरे सुनाऊंगी आप लोगों को। और आप लोग गैस करके बताना कि आप लोगों को मुहावरे कौन कौन से समझ में आए हो, उसका कमेंट करके बताइएगा। तो अगली वीडियो में जो कमेंट सही करेंगे ना, जिस मुहावरे का सही व्याकरण करेंगे, मैं उनका नाम लूँगी। और मैंने ना डांस वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा। और मेरे सेकेंड चैनल पर मैंने बर्थडे ब्लॉग डाला है, मेरी मामी का बर्थडे था, जो जिन मामा की शादी में बंगाल गए थे ना, उन मामी का, उनके वाइफ का बर्थडे था 12 जनवरी को, तो उनके बर्थडे पे हम लोग गए थे, तो वो ब्लॉग डाला है मैंने। अगर आप लोगों को बर्थडे ब्लॉग देखना है तो मेरे सेकंड चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको बर्थडे ब्लॉग मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा मुहावरा आपको समझ में आया है। और सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, दोनों इसी में लिखा दो आपको। ये दूसरा पर मैं पूरा फेस कवर करूंगी तो मैं बोलूंगी कैसे, सॉरी गाइस। मैं बोल रही थी आप लोगों से कि मैं पूरा फेस कवर करूंगी पर मैं देखूंगी कैसे, तो मैं यहाँ तक कवर करूँगी। Okay.
तो गाइस मुंह में ना जब हैंक स्टफ करती हूँ ना, सांस लेने मुझे तकलीफ होती है। अब ऐसा लग रहा है बाप रे बाप। देखो इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाती, प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए और फुल वॉच करके जाया कीजिए। अगर ज्यादा थोड़ा टाइम लगा दूं ना तो मैं तो मर ही जाऊं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो समझ में आया होगा ना, सॉरी अगर मुहावरे आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज मुहावरे को कमेंट में मुझे व्याकरण करके ट्रांसलेट करके बताइएगा। और बाकी बाय गाइस।